वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो पिछले वीडियो में मैंने पूछा था आपसे कि आपकी प्रॉब्लम्स आप शेयर करो, मैं उस पे वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट। सो ये वीडियो आपके लिए है। सो ऑलमोस्ट सबकी प्रॉब्लम थी हेयर फॉल, जो कि ऑलमोस्ट आजकल सबको होता है क्योंकि पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है। हम लोग शैम्पू इतना ज्यादा यूज करते हैं जिसमें केमिकल्स बहुत सारे होते हैं, हम हीट करते बालों को। एंड हीट से याद आया, मैंने लास्ट वीडियो करी थी नो हीट कर्ल्स। सो जिन्हें भी विदाउट हीट कर्ल्स करने वो वीडियो जरूर देखना, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आज का टॉपिक है हेयर फॉल को हम जड़ से कैसे हटाएं, आपका हेयर फॉल एकदम बंद हो जाएगा। एंड इसके रेगुलर यूज से, किसके रेगुलर यूज से? मेथी दाना सबने सुन रखा है। नहीं सुना है तो अपनी मम्मा से पूछना, किचन में हमेशा अवेलेबल होता है मेथी दाना। एंड उसे फेनिग्रिक सीड्स भी बोलते हैं। मेथी दाना स्टोर हाउस है मिनरल्स का, क्योंकि उसमें होता है पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, उसमें होता है फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, इतने ज्यादा मिनरल्स। लाइक जेन्युइनली आप गूगल भी करोगे तो ऐसा ही बोलेंगे वो लोग कि ये एक स्टोर हाउस है मिनरल्स का। इतने ज्यादा मिनरल्स हो वो आपके हेयर की प्रॉब्लम कैसे दूर नहीं करेगा, राइट? एक बाउल मेथी दाना लगेगा, दैट्स इट, उसमें आपकी सारी रेमेडीज हो जाएगी। सो फेनिग्रिक सीड सबके घर में होगी। अब उसका यूटिलाइज करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब हमें हेयर फॉल नहीं चाहिए, राइट? हमें घने सुंदर बाल चाहिए। फर्स्ट रेमेडी है हेयर टॉनिक, जो कि बहुत सिंपल है बनाना। कैसे बनाना है उसकी प्रोसीजर देखते हैं आगे। सो हमें मेथी दाने में पानी ऐड करके रात भर इसे भिगोना है। अगर आप रात भर नहीं रखे तो इसे कम से कम एक घंटे के लिए ज़रूर रखना। एंड हमें एक स्प्रे बॉटल लगेगी, उसमें हमें पानी को छान लेना है। ये पानी हमारा हेयर टॉनिक है। सो ये हमारा हेयर टॉनिक रेडी है, अब इसे हम स्प्रे करेंगे। इसे हमें रूट्स पे स्प्रे करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से सेक्शन निकाल निकाल के हर जगह रूट्स पे स्प्रे करें, ताकि ये बेटर रिजल्ट्स दे। ये दूसरा सेक्शन निकाल लेना। इसी तरीके से पूरे स्कैल्प पे ये टॉनिक लग जाएगा एंड ये अपना काम करना चालू कर देगा। इसे वीक में एक बार कम से कम करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा दो बार करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। इसे 15 मिनट तक रहने देना है, फिर ही नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। गाइस हेयर टॉनिक वाओ, कितना सिंपल बट इफेक्टिव है। इसको रेगुलरली यूज करना है। आपको याद रूट्स पे अप्लाई करना है, आपको रूट्स पे अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट है। आपको पूरे बालों में अप्लाई करना है, लेकिन मेनली रूट्स पे, क्योंकि वहीं से हमारी हेयर ग्रोथ होगी एंड हेयर फॉल होना रुकेगा, राइट? तो हेयर टॉनिक हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे सेकेंड रेमेडी पे, जो की है फेनिग्रिक ऑयल। जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव ऑयल है, इसे कैसे बनाना है देखते हैं आगे। सो हेयर ऑयल बनाने के लिए हमने ले लिया है मेथी दाना। अब इसमें हम ऐड करेंगे नारियल का तेल। ये मैं फ्रेशली प्रिपेयर करूँगी, तो जितना आपको यूज़ करना है अभी उतना ही लेना है। अगर हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो ज़्यादा ले सकते हैं, एंड कम है तो इससे कम ले सकते हैं। एंड इसे उबाल लेना है। अच्छे से उबालने के बाद इसे हम ट्रांसफ़र करेंगे बोल में। सो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हमें निकाल लेना है इसे एंड फिर हम यूज़ करेंगे। जब जब आपको ऑयलिंग करनी हो, ऐसे ही कोकोनट ऑयल में मेथी दाने को उबाल के लगाएं। बहुत ही प्यारा ऑयल है एंड बहुत ही प्यारे रिजल्ट है इसके। ये हमारा ऑयल मैंने निकाल लिया है अलग इसे। सो वो तरीका था अगर आपको फ्रेशली लगाना है, लेकिन अगर आपको स्टोर करके रखना है फेनिग्रिक ऑयल, तो आपको एक कंटेनर में या डब्बी में आपको मेथी दाने लेना है, उसमें कोकोनट ऑयल रख देना है एंड किसी गर्म जगह पे, डार्क प्लेस पे, कबर्ड में आप रख सकते हैं, वहाँ पे इसको ढक के रख देना है। एंड इसे एक महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं एंड हर वीक लगा सकते हैं। सो गाइस हेयर ऑयल रेडी है एंड अब हम इसे अप्लाई करेंगे अपने हेयर में। अच्छे से स्कैल्प को नरिश करेगा ये। बहुत अच्छे से मसाज करना है, कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से मालिश करें। जो भी ड्राइनेस आ गई है बालों में वो सारी दूर हो जाएगी, जो भी रफनेस आ गई है वो भी इससे हट जाएगी। अपने रूट्स पे लगाना ना भूले। इसे रखना है 15 मिनट तक। सिर्फ आपको नारियल का तेल चाहिए एंड
फेनिग्रिक सीड्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। एंड मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको फ्रेशली बनाना है, फ्रेशली बना सकते हैं, उबाल सकते हैं कोकोनट ऑयल के साथ सीड्स को, या तो फिर आपको स्टोर करना है तो आप कैसे स्टोर कर सकते हो ये भी आपने देख लिया है। आप स्टोर करके आराम से इसको एक महीने तक रख सकते हैं, आपके बालों को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा एंड हेयर फॉल एकदम रुक जाएगा इसके रेगुलर यूज से। प्लीज गाइस रेगुलर यूज करना इसका, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। एंड पेशेंस रखना, क्योंकि पेशेंस के बिना कुछ भी नहीं। अब तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसका रिजल्ट आपको तुरंत मिलेगा शैम्पू करते ही, वो है फेनुग्रीक हेयर मास्क। तो बढ़ते हैं हमारी तीसरी रेमेडी पे, देखते हैं कैसे बनाते हैं। सो गाइस, मास्क बनाने के लिए हमने जो मेथी दाना भिगाया था वो इस तरीके से फूल जाएगा। फिर हमें इसे मिक्सर में घुमा लेना है, अच्छे से पेस्ट बनानी है। जो आपकी हेयर ग्रोथ है उस हिसाब से आपको मेथी दाने की क्वांटिटी लेनी है। अगर मीडियम लेंथ के हेयर है मेरी तरह, तो आपको कम से कम जितना मैं ले रही हूँ उतना एक कटोरी भर के लेना पड़ेगा। एंड फिर उसको मिक्सर में घुमा लेना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि अपना पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा ना बने। अभी इसे मैंने पेस्ट बना लिया है, कुछ इस तरीके से दिखेगा पेस्ट। अगर ये थोड़ा ड्राई भी हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बालों को सिल्की शाइनी एंड स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। सो मेथी दाने की पेस्ट लेनी है, उसमें हमें ऐड करना है दही। मैंने एक कटोरी लिया है, अगर आपके लेंथ ज़्यादा हो तो आप दो कटोरी ले सकते हैं, दोनों इक्वल क्वांटिटी में ही लेना है। सो ये हमारा मास्क रेडी है, अब हम इसे अप्लाई करेंगे। अच्छे से तैयार हो गया है मास्क एंड ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हेयर ग्रोथ के लिए एंड हेयर फॉल को रोकने के लिए। मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप हाथों से भी लगा सकते हैं, लेकिन इस मास्क को ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, तुरंत लगा लेना है वरना वो स्मेल देने लग जाता है। इसलिए आपको तुरंत अपने बालों में लगा के शैम्पू कर लेना है, इसको स्टोर बिल्कुल भी नहीं करना है। 15 मिनट बाद शैम्पू कर लेना है एंड रिजल्ट आपके सामने है। गाइस हेयर मास्क की तो गारंटी मैं देती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे ही वो लगा के शैम्पू किया मुझे तुरंत फर्क नजर आया। जैसे ही मैंने शैम्पू किया बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाते बाल एंड मेरा हेयर फॉल हमेशा जितना होता है उससे आधा हो गया है। गाइस ये तीनों रेमेडीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एंड आपको अगर ये शैम्पू करने से पहले करना है तो प्लीज इसे एक एक जो भी हमने रेमेडी ली है, जैसे हेयर टॉनिक को आपको 15 मिनट देना है बालों में सेट होने के लिए, फिर ही हेयर ऑयल लगाना है, हेयर ऑयल को 15 मिनट देना है एंड फिर हेयर मास्क लगाना है 15 मिनट के लिए। एंड जरूरी नहीं है आपको तीनों रेमेडीज यूज करना, आप चाहे तो हेयर टॉनिक यूज कर लीजिए, 15 मिनट बाद शैम्पू कर लीजिए, आप चाहे तो ऑयलिंग कर लीजिए फेनिग्रीक ऑयल से एंड फिर 15 मिनट बाद हेयर वॉश कर लीजिए, फिर सिर्फ हेयर मास्क लगा लीजिए 15 मिनट बाद उसे वॉश कर। सो गाइस कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको तीनों लगाना है, आप कोई एक रेमेडी भी यूज कर सकते हैं एंड जिसे तीनों करना है वो इसी प्रोसीजर में यूज करना, 15-15 मिनट सबको देना एंड फिर शैम्पू करना। तो 15-15-15 हेयर टॉनिक को 15, हेयर ऑयल को 15 मिनट एंड फिर हेयर मास्क को 15 मिनट, तो एक घंटे बाद आप शैम्पू कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रिजल्ट बहुत ज्यादा प्यारा आएगा आपके, अगर बाल डैमेज भी है तो वो भी, जो भी रफ हो जाते हैं नीचे से वो भी सॉल्व हो जाएगी आपकी प्रॉब्लम एंड हेयर फॉल तो रेगुलर यूज से एकदम बंद ही हो जाएगा। रेगुलर यूज से बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट है। सो गाइस इन रेमेडीज को अपने हेयर केयर रूटीन में एड ऑन करना ना भूले। ये आई होप गाइस अब आप मेथी दाने यानी फेनुग्रीक सीड्स को प्रॉपरली यूज करोगे अपने हेयर केयर रूटीन में एंड सिर्फ किचन में नहीं रखा रहेगा, आप उसको हेयर केयर रूटीन में भी फॉलो करोगे एंड उसके रिजल्ट्स भी आप देखोगे। और आप सजेशंस दे सकते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो कौन सी, अपनी प्रॉब्लम्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर वीडियोस बनाऊंगी एंड आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी। जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं करा है डू सब्सक्राइब मी गाइस एंड जिन्होंने कर लिया है लव यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो हिट द लाइक बटन, हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे नए वीडियोस के बारे में। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। टिल देन टेक केयर गाइस, लव यू।